If you are going to become a prime minister, we will support you. Mulla, why you should support me? And why I should take your support? To become a prime minister is not aim in my life. I am loyal to my conviction and my organization. I am not going to compromise for any post because my conviction ये मेरे लिए सर्वोपरि है. कभी ना कभी मुझे लगता है कि ये जो कन्विक्शन है यही हमारी भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है. और आज पत्रकारिता में आप सब लोगों ने जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ करके कहा गया कि जुडिशरी, बाद में पत्रकारिता, मीडिया, एग्जीक्यूटिव विंग एंड लेजिस्लेटिव विंग, और इन सब जगहों पर ये चारों जब अपने आदर्शों के ऊपर चलेंगे तो ही लोकतंत्र यशस्वी होगा. और लोकतंत्र में वी आर द हम लोग मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और पूरे विश्व में हमारे प्रति आदर भी है. और इसलिए ऐसे जो पत्रकार है उनके जीवन में इतना बड़ा कार्य करने के बाद आज आर्थिक दृष्टि से पत्रकारों की स्थिति भी अच्छी नहीं है. हमारे यहाँ मराठी नाटक, मराठी चित्रपट में काम करने वाले, संगीत, नृत्य, नाटक, बड़े बड़े कलाकारों की स्थिति अच्छी नहीं है. और समाज ने इन लोगों के पीछे खड़े रहना चाहिए. जयवंत कुलकर्णी करके एक गायक थे, उनको हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ा तो वो बोले मैं ऑपरेशन नहीं करता. तो मैंने उनको पूछा क्यों नहीं कर रहे, बोले मेरे पास पैसे नहीं. तो आप चिंता मत करिए, मैं व्यवस्था करूंगा. श्रीनिवास खड़े करके मराठी में बहुत बड़े संगीतकार थे, हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर पा रहे थे. जब उनके ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी मैंने ली तब उनका ऑपरेशन हुआ. तो पत्रकारों के लिए भी ये समस्या है कि जो जीवन में व्रतस्थ रूप में काम करते हैं उनके जीवन की रिटायरमेंट के बाद उनको आर्थिक दृष्टि से कोई अच्छा समर्थन नहीं मिलता. पर कम से कम गिरीश भाऊ की ये विशेषता है, ये एक बात ऐसी है कि जिसके लिए हम सब लोग उनको सम्मान करते हैं कि समाज के सभी क्षेत्र में जो अच्छे लोग हैं उन अच्छे लोगों का सम्मान करना और उनके पीछे खड़े रहना और ये करते समय जात पंथ धर्म भाषा विचार इसका कहीं भी संबंध न रखते हुए उस व्यक्ति को गौरवान्वित करना, ये काम वो नियमित रूप से करते हैं. कला के क्षेत्र है, पत्रकारिता का क्षेत्र है, नाट्य कलावंत है, साहित्यिक है, कवि है, ऐसे सब लोगों का वो सत्कार करते रहे. और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे लेजिटिमेट चुनाइन ऐसे चार पत्रकारों का आज सत्कार हुआ है. विवेक को भी मैं अनेक सालों से जानता हूँ, राम को भी जानता हूँ, रामू को भी जानता हूँ और श्रीमंत माने जी को भी, उनका भी जानने का मौका मुझे मिला है. और ये चारों जन अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसलिए आज जो उनका सत्कार हुआ उनके सबके विशेष रूप से आगे का भविष्य, उनका जीवन ये निरोगी रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, संपन्न रहे और उनके जीवन में जो उन्होंने लिखा है, लोकतंत्र को मजबूत किया है, उसके लिए हम सब की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और उनकी पत्रकारिता के सामने हम निश्चित के अनुबाल हैं. इनके सबके जीवन में ये एक यशस्वी पत्रकार के रूप में रहे, इनके जीवन का जो अनुभव है ये जब ये नए लोगों को बताएंगे और उसमें पढ़ाएंगे तो नागपुर के पत्रकार विश्व में एक पत्रकारिता में गुणात्मक विकास होगा. और इसके लिए आप जरूर इसका उपयोग करिए, यह एक नागपुर करके नाते मेरा उनसे अनुरोध है. और निश्चित रूप से ये कंट्रीब्यूशन में आवश्यकता होगी तो इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म का डिप्लोमा भी लीजिए आप. पर आप सब लोगों का अनुभव ये भविष्य के पत्रकारों को लोकतंत्र के दृष्टि से और कैपेबल बनाएगा. और तो राहुल भी राइट इंफॉर्मेशन के बारे में भी उनकी जानकारी है. तो मुझे लगता है कि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट और लोकतंत्र के इंटरेस्ट के जो विषय है ये
इन नए लोगों तक अगर ठीक प्रकार से जाएंगे और वो प्रशिक्षित होंगे तो लोकतंत्र को गुणात्मक परिवर्तन होगा। मैं फिर से एक बार इन सब पत्रकारों का हृदयपूर्वक बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मुझे और एक कार्यक्रम में लोकमत के जाना है, एक भाषण मैं सुन लूंगा फिर निकलूंगा।